मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहले बजट में निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। सीतारमण ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान होता है। ग्रामीण और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अहम योगदान है। सरकार की महिला योजनाएं नारी तू नारायणी पर आधारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। साथ ही महिलाओं के लिए अलग से 1,00,000 रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी। अब तक महिलाएं अपने जनधन खाते से सिर्फ 2,000 रुपये ही निकाल सकती थी, जिसे बढ़ाकर अब 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसे ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहा जाता है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर जिले में विमन SHG इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम लागू करने का प्रस्ताव करते हुए उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के जनधन खाते हैं और जो स्वयं सहायता समूह में वेरिफाइड है, उन्हें 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। साथ ही मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को 1,00,000 रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा। अपने बजट भाषण में उन्होंने खास तौर पर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान का उल्लेख किया और महिलाओं की स्थिति सशक्त बनाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव भी रखा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।